रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और चेयरपर्सन नीता अंबानी और उनका पूरा परिवार अपने कल्चर को काफी फॉलो करता है। आए दिन जो भी धार्मिक इवेंट्स होते हैं वो अपने घर में ऑर्गेनाइज भी करते हैं और उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। आपको बता दें, हाल ही में नीता अंबानी ने मुंबई में अपने घर पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के अध्यक्ष थॉमस बाच की मेजबानी की। वो 15 से 17 अक्टूबर के बीच होने वाले 141वें IOC सेशन में भाग लेने के लिए मुंबई में है। आपको बता दें कि भारत करीब 40 सालों बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सत्र की मेजबानी करने जा रहा है। ये सत्र मुंबई में 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर में आयोजित होगा। ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वां सत्र होगा। थॉमस बॉच को नीता अंबानी ने खुद अपने हाथों से आरती उतारकर उनका वेलकम किया। इसके बाद मुकेश अंबानी से भी वो मिले। नीता अंबानी का आरती उतारते और तिलक लगाते ये फोटोज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गए हैं। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, नीता अंबानी हमेशा की तरह एक ट्रेडिशनल रेड साड़ी में नजर आ रही हैं। वहीं मुकेश अंबानी व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में दिखाई दे रहे हैं। वहीं लोगों ने भी इन फोटोज पर कमेंट करते हुए लिखा, संस्कृति और संस्कार ना भूले, बहुत ही सुंदर तस्वीर, बड़े लोगों की बातें, यह है हमारी भारतीय नारियों का संस्कार। वहीं एक और यूजर ने लिखा, नीता अंबानी करोड़पति होने के बावजूद भी अभी भी संस्कारी हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसे लगी ये तस्वीरें हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।